दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिराफ सेक्स कैसे करता है या फिर केवल सूंग के ही ये फीमेल वर्जिनिटी का पता कैसे लगा लेते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको इस बेहद बड़े गर्दन वाले जानवर के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातें बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जिराफ मूलता अफ्रीका का जानवर है लेकिन आज ये दुनिया के लगभग हर एक देश में पाया जाता है वो चाहे नेशनल पार्क हो या फिर चिड़ियाघर जिराफ की लंबाई अठारह ऐसी बीस फीट होती है केवल इसकी टांगे ही छह फीट लंबी होती है दोस्तों जिराफ की पहचान एक लंबे गर्दन वाले जानवर के तौर पे होती है लेकिन आपको बता दूं कि जिराफ की गर्दन जितनी लंबी होती है उसका पैर भी उतना ही लंबा होता है जी हाँ दोस्तों दरअसल आमतौर पे जिराफ की गर्दन और उसके पैर की लंबाई बिल्कुल एक बराबर होती है आपको बताता चलू की इनके पैरों में बहुत ताकत होती है ये अपने पैरों की मदद से बहुत तेज स्पीड में दौड़ सकते हैं इनके दौड़ने की रफ्तार साठ किलोमीटर प्रति घंटे होती है जिराफ दुनिया के दस सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है दोस्तों देखने में शायद आपको जिराफ के शरीर पे बने हुए पैटर्न एक जैसे दिखते हूँ लेकिन आपको बता दूं कि हर एक जिराफ के शरीर पे बना हुआ पैटर्न अलग अलग होता है जैसे कि हम इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं हम में से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि जिराफ बोल नहीं सकता हाँ ये बात सच है कि जिराफ की आवाज आज तक किसी ने भी नहीं सुनी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोल नहीं सकते दरअसल जिराफ की बोलने की फ्रिक्वेंसी काफी कम होती है इतनी कम की इंसानी कान उसे सुन ही नहीं सकता जिराफ के बारे में एक चौका देने वाली बात यह है की जब जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो माँ खड़े होकर बच्चे को जन्म देती है और छह फीट की ऊंचाई से बच्चा नीचे गिरता है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बच्चे और माँ को जोड़ने वाली नस टूट जाती है एक मादा जिराफ अपने बच्चे को चौदह से पंद्रह महीनों तक अपने पेट में रखती है जो की इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है पैदा होने वाले बच्चे का वजन पचास ऐसी साठ किलो तक होता है और पैदा होने के केवल आधे घंटे के बाद ही जिराफ का बच्चा चलने लगता है आपको बता दूं कि पैदा हुए जिराफ के बच्चे में से 50 परसेंट ही ऐसे होते हैं जो पैदा होने के छह महीने बाद तक जिंदा रहते हैं क्योंकि ये पैदा होने के छह छह महीने के अंदर ही किसी न किसी जानवर के शिकार बन जाते हैं इसीलिए मादा जिराफ छह महीनों तक अपने बच्चों की हिफाजत करती है जिराफ के शरीर का टेम्परेचर इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है इनके शरीर का टेम्परेचर तकरीबन एक सौ अस्सी ऐसी दो सौ अस्सी फॉरन हाइट होता है दोस्तों क्या आपको पता है कि जिराफ वो जानवर होते हैं जो खड़े खड़े ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं जी हाँ दोस्तों दरअसल जिराफ खड़े होके खाते हैं पीते हैं यहाँ तक कि खड़े खड़े ही सोते भी हैं। लेकिन ये कुछ छोटे छोटे इंटरवल में ही सोते हैं हर एक इंटरवल में ये केवल 20 से 25 मिनट तक ही सोते हैं दोस्तों इनकी लंबी टांगे जहां इन्हें दूसरे जानवरों का शिकार होने से इनकी मदद करती है वहीं इनके लिए दिक्कत भी बन जाती है दरअसल जब ये पानी पीते हैं तो इन्हें अपने पैरों को कुछ इस तरह से करना पड़ता है और तब ये पानी पी पाते हैं क्यूँकी ये अपने पैरों को मोड़ नहीं सकते हैं और इनके पैर लंबे होने के कारण इनकी गर्दन जमीन तक नहीं आ पाती सबसे ज्यादा अजीब बात तो इनके जीप के बारे में है इनकी जीप किसी भी दूसरे जानवर के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी होती है इनकी जीप की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर होती है और इनकी जीप का रंग बैगनी या फिर काला होता है ये अपनी जीप से अपने कान तक साफ कर सकते हैं जिराफ के बारे में एक और बात है जो शायद आपको पता ना हो जिराफ के भी इंसानों के जैसे ही बत्तीस दाँत होते हैं लेकिन इनके बत्तीस के बत्तीस दाँत नीचे होते हैं और ऊपर के जबड़े में कोई भी दाँत नहीं होता दोस्तों आज तक किसी ने भी जिराफ को तैरते हुए नहीं देखा है इसीलिए ज्यादातर लोगों का ये मानना है की ये तैर नहीं सकते दोस्तों आपको ये भी बता दू की जिराफ के चार पेट होते हैं इनके अतिरिक्त पेट भोजन को पचाने में काम आते ते हैं ऊँट की तुलना में जिराफ बहुत कम पानी पीता है लेकिन ये ऊँट के जैसे ही बिना पानी पिए सात दिनों तक रह सकता है दोस्तों अब तक आपने इस तरह के जिराफ को देखा होगा लेकिन आपको बता दू की इस दुनिया में व्हाइट जिराफ भी पाए जाते हैं जिनकी संख्या काफी कम है इनकी सभी एक्टिविटी आम जिराफ के जैसे ही होती है दुनिया में जिराफ की नौ प्रजातियाँ पाई जाती है व्हाइट जिराफ भी उनमें से एक है दोस्तों अब हम आपको बताते हैं की आखिर जिराफ संबंध कैसे बनाते हैं किसी भी नर जिराफ को मादा जिराफ से संबंध बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है सबसे पहले तो इन्हें नर जिराफ से लड़ाई करनी पड़ती है जब भी ये लड़ाई करते हैं तो गर्दन से एक दूसरे को मारते हैं और ये लड़ाई आठ आठ घंटों तक चलती रहती है और कामयाब होने वाला जिराफ मादा से संबंध बनाता है जिराफ ज्यादातर ग्रुप में रहते हैं जिसमे मादा जिराफ की तादाद काफी ज्यादा होती है जब भी कोई इनपे हमला करता है तो ये अपनी लंबी टांगों से उन्हें कुचल देते हैं दोस्तों आपको बता दो की मादा जिराफ गर्भवती होने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे जिराफों से संबंध बनाती है और एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा करती है इसके बाद ही ये प्रेग्नेंट होती है हाल ही में जिराफों के ऊपर किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 80 परसेंट नर जिराफ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं मतलब ये कि 80 परसेंट नर मादा को छोड़ के एक दूसरे से संबंध बनाते हैं इनकी एक खास बात ये भी होती है की ये केवल सूंग के ही पता लगा लेते हैं की मादा जिराफ ने कितनी बार संबंध बनाया है और वो इनके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है भी या नहीं जब एक मादा जिराफ की उम्र चार साल होती है तो वो बालिग हो जाती है यानी कि उसका शरीर संबंध बना के लिए तैयार हो चुका होता है वहीं एक नर जिराफ को बालिक होने में छह साल लग जाते हैं चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया